अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, साइन सिम्टम्स और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। इस पे प्रॉपर एक मैंने डाइट प्लान, डाइट चार्ट क्या लें क्या ना, काफी डिटेल में मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जरूर देखेंगे तो दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा और आपको बहुत ज्यादा क्वेरीज और अगर आपके साथ रोजमर्रा की ये चीजें हो रही हैं तो उनको रिजोल्व करने के लिए काफी आसानी होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म आप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो आजकल जा रहा है वो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। इसकी वजह से आपको डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटिक मेलाइटिस भी हो सकता है, आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। ठीक है, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं काफी अरसे के बाद आप इसे गुजर रहे, उसका ट्रीटमेंट लेने के बहुत अरसे के बाद आप इन चीजों से गुजरते हैं। देन ओबेसिटी, उसके अलावा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बहुत कॉमन देखा गया है, हाई रिस्क पे होता है वो बंदा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके कॉजेज में जाएंगे कि क्या वजूहत है। सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक फैक्टर यानी कि आपके जीन्स में ऐसा है। उसके अलावा हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि आपके अंदर मेल हार्मोन ज्यादा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं। उसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा सा ट्रीटमेंट बताती जाऊंगी ताकि आप ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। जब हम आपके हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, FSH, LH, सारी प्रोफाइल जो होती है इनफर्टिलिटी की, तो वहां पे हमें पता चलता है कि आप इससे गुजर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज से। और फिर उनको ट्रीट, ये कहां से आता है हाइपर एंड्रोजनिज्म, आपको पता है कि आप जो फ्रोजन आइटम यूज कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जास, पास्तास, बर्गर्स, फ्राइज, आलू का इस्तेमाल, चिकन जो आप ले रहे हैं, इसकी वजह से ये जो है हमारे बॉडी में हार्मोन्स का इम्बेलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। देन हाइपर इंसुलिनिज्म यानी कि इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह क्या ओबेसिटी भी हो सकती है। और ये शुगर आइटम्स भी हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, आजकल कलर्ड बहुत ज्यादा ड्रिंक्स चली हुई है, वो चीजें भी होती हैं, इसकी वजह से प्रॉपर सेल्स में जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पाती शुगर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेजिस्ट करती है, तो इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड में ज्यादातर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट से आप किन किन बीमारियों से गुजर सकते हैं, कि आपको ऐसी क्या चीज हो सकती है जो सारी जिंदगी के लिए हो सकता है कि आपके लिए आजमाइश बन जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप शुगर आइटम का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कम से कम करें, ड्रिंक्स स्पेशली शुगर जो कोटेड ड्रिंक्स होती है, शुगर वैसे भी जो आप जिन चीजों में यूज करते हैं वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद ओबेसिटी आती है, उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, 40 मिनट से शुरू करें, आधे घंटे से शुरू करें, जो लोग जिम करते हैं वो अपनी उस चीज को क्राइटेरिया को कंटिन्यू रखें। और मैं फूड के अकॉर्डिंग या लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट बताना चाहूंगी कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हाई प्रोटीन रिच डाइट लें, डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम लें। ठीक है, अगर आप ले भी रहे हैं तो फैट फ्री लें या लो फैट लें, ठीक है, जिसमें योगर्ट आ जाता है, मिल्क आ जाता है, उसके अलावा एग योक निकाल दें, व्हाइट पार्ट लें, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, वेजिटेबल्स ग्रीन लें, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस बनाएं, ये जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं इन्हीं से तो शुगर लेवल इंक्रीज होता है। देन एक्सरसाइज, वॉक आ जाता है, कार्डियो आ जाती है, जिससे आपके हार्ट बीट काफी टैकी होता है, हार्ट बीट तेज होती है और इंसुलिन आपकी बॉडी में मेंटेन रहती है। देन इसको ट्रीट, अगर इन चीजों से ट्रीट नहीं होता है या इनसे ट्रीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ आ जाते हैं, नहीं तो आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं, जिसमें क्या आ जाता है, बर्थ कंट्रोल हार्मोनल पिल्स आ जाती हैं, फर्टिलिटी की मेडिसिंस आ जाती हैं, डायबिटीज यानी शुगर की मेडिसिन आ जाती है, ग्लूकोफेज, मेटफॉर्मिन, जोलेड प्लस आजकल काफी कॉमन, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड की मेडिकेशंस चल रही हैं। इसी तरीके से कैंसर प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी दी जाती हैं आपको। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इफेक्टिव हमने सॉल्ट्स देखे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, एज यूजुअल मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड्स यूज करें, और जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हैं पीसीओस के लिए, उसमें एटलीस्ट 2-3 चीजें मैंने देखी हैं जो अपनी प्रैक्टिस में, कि मायो इनिसिटोल और जो डी कायरो इनिसिटोल है ना, इनके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो मायोनिसिटोल है वो क्या करता है कि आपकी जो मेंसेस इरेगुलरिटीज होती हैं इस
की वजह से। आपको जैसे कि पता है कि पीसीओएस से आपके साइन सिम्टम्स क्या जाहिर तौर पर आपको लगेगा कि आप पीसीओएस से गुजर रहे हैं, एक तो स्कैन पे भी पता चल जाता है, आपकी लैब प्रोफाइल से भी पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड जब करते हैं उस पर क्या होता है कि छोटी छोटी पानी की थैलियां बनना शुरू हो जाती है और इसका साइज नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, आपके चेहरे पे जो है क्लिनिकली हम देखेंगे कि बाल मर्दाना बाल ठीक बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपका जो है गंजापन आना शुरू हो जाएगा, उसके अलावा एक्नी ओबेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये साइन सिम्टम्स है। और मेंसेस इररेगुलरिटीज तो बहुत कॉमन है, टॉप ऑफ द लिस्ट है इसके साइन सिम्टम्स में, जिसमें या तो फ्लो कम ओलिगोमेनोरिया हो जाएगा या तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे पीरियड्स। ठीक है, तो मैं उन दो सॉल्ट्स की तरफ चलती हूँ। मायोनिसिटोल और डीकायरोनिसिटोल का बड़ा अच्छा रोल देखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो मायोनिसिटोल है वो बेसिकली आपकी मेंसेस की इररेगुलरिटीज को रेगुलेट करता है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म है जो हार्मोन्स रेज हुए हैं मेल हार्मोन को सप्रेस करके फीमेल हार्मोन को मोटिवेट करता है। और जो डीकायरोनिसिटोल देखा गया है बेसिकली वो क्या करता है कि आपकी जो हाइपर इंसुलिनिज्म होता है, जो इनका लेवल जो ज्यादा हो जाता है उसको मेंटेन करता है ब्लड में, एनहांस करता है उनकी उसकी सेंसिटिविटी को ताकि वो अच्छे से अच्छे मेटाबोलाइज हो। तो ये है बेसिकली ओवरऑल पीसीओएस के साइन सिम्टम्स के जाहिर अलामात क्या है, ट्रीटमेंट में कैसे किया जाता है। अच्छा, बहुत से लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ एक्सरसाइज वॉक की तरफ आते हैं तो उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनकी ओवुलेशन होना शुरू हो जाती है और वो नेचुरली कुछ अरसे तक कंसीव भी इजीली कर लेते। तो बेहतर यही है कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, और इसका अगर आपने जड़ से खात्मा करना है तो उसमें आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज रखना होगा सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि ये बार बार भी हो सकती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में दोबारा से ये सारी चीजें ले आते हैं तो आप पीसीओएस आपको अगेन एंड अगेन भी हो सकता है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, एक बार फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।